अलीगढ़ के थाना सासनी गेट के अंतर्गत लोदी बिहार में हुई विकास हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों में फिर एक बार आक्रोश पनप गया, जिसके चलते परिजनों ने हाथों में बैनर लेकर सासनी गेट चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और मानव श्रृंखला बनाकर रास्ता रोक दिया। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस बल सहित क्षेत्र अधिकारी ने जाम लगा रहे आक्रोशित लोगों को मंगलवार तक आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि विकास की हत्या के बाद पुलिस 3 नामजद समेत 7 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। हालांकि परिवार इससे संतुष्ट नहीं है और परिवार ने आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिसको लेकर वे प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। परिवार की मांग है कि मुख्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। वहीं पुलिस द्वारा दी गई कार्यवाही के आश्वासन पर मामला शांत हुआ, लेकिन परिवार ने जल्द गिरफ्तारी न होने पर आत्मदाह और भूख हड़ताल करने जैसी चेतावनी दी। क्या कहना चाहते हैं, किस चीज को लेकर जाम लगाया? भाई साहब, इसलिए जाम लगाया गया केवल हम आज हमारे बच्चे को गए हुए 5वां दिन है और 5 दिन में कोई पूरे आश्वासन के अलावा उसने एसोसिएटी महोदय आई थी इसी चौड़ाहे पे खड़े होकर के उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में अरेस्टिंग हो जाएगी और ये शासनगेट जो चौकी इंचार्ज हैं निर्मल सिंह, ये अपराधियों से मिले हुए हैं, उनके साथ में साठगांठ है, उनके साथ बैठना उठना है, दुनिया को पकड़ते हैं, निर्मल सिंह को उठा लें, उनके खिलाफ कार्रवाई करके देख लें, वो खुद बता देंगे कहाँ अपराधी लोग ने उनका बैठना उठना उनको क्यों नहीं कहते हैं, उनको आज तक के पीरियड में हटाया नहीं गया, कोई कार्रवाई क्यों नहीं रही, गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, हमको धमकी दी जा रही है, कभी तो ये मरा भी और मरेगा, उसके बाद भूखा पंडित का नंबर आएगा, मेरा नाम भूखा पंडित है, मुझे खुद धमकियाँ मिल रही हैं, तो हम क्या करें भाई साहब, कहाँ जाएँ हम? पुलिस का कहना यह है कि अब तक 7 आरोपी भेज चुके हैं। जी नहीं भाई साहब, सुनिए, उसमें कोई अपराध, सुनिए, उसमें कोई अपराधी नहीं गया, केवल हमने 3 अपराधी जो पकड़ के दिए थे उस दिन जो मौके पे वारदात पे थे, केवल वो ही है, बाकी तो ये अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं, जिससे कि ये लोग भड़के नहीं, पब्लिक ना भड़के, केवल ये दिखाने के लिए वो पूर्ति कर रहे हैं। उनमें से मेन जो हमने भाई नेम जो दिए लिख करके, उनमें कौन पकड़ा गया अभी तक बता देंगे, एक भी नहीं पकड़ा गया, और इन्होंने आज हमें आश्वासन दिया केवल सोमवार तक का, हमसे टाइम सोमवार तक का मांगा, हमने मंगलवार तक का दिया है, और ये मंगलवार तक अगर नहीं कर पाते हैं तो हम इनको जगह नहीं बताएंगे कि हम किस जगह क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम आत्मदाह कर लेंगे अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर पर भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, वो लोग बेवकूफ़ होते हैं, कहते हैं कि SSP यहाँ पर करेंगे जा करके, SPCT यहाँ पर करेंगे, हमें नहीं बताना कुछ चीज़ है, उसके जिम्मेदार केवल शासन प्रशासन केवल यही जिम्मेदार होंगे और कोई नहीं होगा, क्योंकि ये खुद मिले हुए हैं। आप ये कहना चाहते हैं दोषियों विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही, निर्दोषों को जी हाँ, निर्दोषों को जी हाँ, मेरा कहना यही है, क्यों जब हमने उनसे मिलवाया तक नहीं रहा, कल हम गए जा करके पकड़ेंगे, कल ही पकड़े, कल ही आपने जेल भेज दिए, अरे भाई कम से हमें भी तो दिखाइए, हम भी तो बात करें उनसे, लेकिन ऐसा नहीं है, हम गए जब तक तो जा चुके जेल गए साहब, है क्या क्या तरीका है, अरे आप जो मेन हैं उनको पकड़िए ना, उनको पकड़ के दिखाइए, उनको पकड़ेंगे नहीं, क्यों उनको पकड़ने में आपकी मतलब जो हालत खराब है पकड़ने में। शेखर शर्मा, शेखर जी, ये जो रोड काम किया है साथ के क्या वजह है? इसकी सबसे मुख्य वजह यह है कि जो मेरा भाई है विकास शर्मा, उसके अभी जो मुख्य अपराधी हैं जो अंकित ठाकुर हैं, अमित ठाकुर हैं, गोस्वामी हैं, जो भरत गोस्वामी हैं, सोनू यादव हैं, उनको अभी तक जो मुख्य अपराधी हैं उनको किसी को भी नहीं पकड़ा गया है, केवल जो आए गए लोग हैं उनको पकड़ के थाने में डाल रहे हैं, जिससे हमारा कार्य और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, समय बर्बादी हो रही है, समय बर्बादी हो रही है, प्रशासन कुछ भी इसके अंदर कार्य नहीं कर रहा, समय बर्बादी हो रही है, कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। अर्चना पंडा, राष्ट्रीय महासचिव महिला सभा समाजवादी पार्टी से, और यहाँ से अलीगढ़ से लोकसभा से संभावित प्रत्याशी पूर्व विधायक गुड्डू पंडित जी की धर्मपत्नी। किस चीज को लेकर आज जाम लगाया? देखिए, किस चीज को जाम लगी ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हत्या हुई है, दिन दहाड़े शाम को 7 बजे क्रिमिनल्स ठाकुर, अमित ठाकुर, अंकित ठाकुर पिस्तौल लेके, तमंचा लेके, जिप्सी लेके आके बड़े मात्रा में 9-10 लोगों के साथ आके दिन दहाड़े, एक बच्चा घर से बाहर टहलने के लिए जाता है शाम को 7 बजे, कोई ज़्यादा समय भी नहीं है, उस बच्चे के ऊपर गोली पार करके उसकी हत्या हो जाती है, मर्डर हो रहा है दिन दहाड़े। तो मैं यहाँ से भाजपा सरकार से पूछ रही हूँ कि यहाँ पे इनका अपराध के खिलाफ ये जो जीरो टॉलरेंस का जो नारा लगा रहे हैं, ये कहाँ है जीरो टॉलरेंस, इनका कम्प्लीटली जीरो है, ठीक है? अगर इस तरह से मर्डर हो रहा है तो आम जनता की सुरक्षा क्या है उत्तर प्रदेश में, आम जनता की सुरक्षा का हिसाब कौन देगा? और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कोई उम्मीद नहीं रख रही हूँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी आरोपियों का इन्होंने अरेस्टिंग, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अब जाके इतना सब कुछ होने के बाद आज इन्होंने एश्योरेंस देके गए हैं कि 2 दिन में
ये गिरफ्तारी अमित ठाकुर की कराएंगे, जबकि बकायदा अमित ठाकुर की कोई इन्होंने एफआईआर तक रजिस्टर नहीं हुआ है। सो आई एम आस्किंग टू द बीजेपी गवर्नमेंट, वेयर इज देयर बुलडोजर, उनका बुलडोजर कहाँ है? और आम जनता की, महिलाओं की जो आज ऐसी स्थिति हो रही है प्रदेश में, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए। नो, कम्प्लीटली लायर, ये बहुत बड़ा झूठा स्टेटमेंट है। आज आप कहीं भी उत्तर प्रदेश की स्टेट, आप डाटा देख लीजिए उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल, आप यहाँ पे क्राइम रिकॉर्ड जो है सबसे ज्यादा है इस समय भारत में उत्तर प्रदेश में, ठीक है? आपको लग रहा है ये स्थिति देख के कि उत्तर प्रदेश में अपराधी भारत कहाँ छोड़ के चले गए, ये छोड़ के चले गए कि आ गए हैं यहाँ पे? सबसे ज्यादा इसी भाजपा की सरकार में उत्तर प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, और वो संरक्षण कोई और नहीं, भाजपा के सरकार दी रहेंगे। और ये रामराज्य है, इसका आपको नजारा देखने को मिल गया, ये है, इसमें रामराज्य को आप रामराज्य का इसको कहेंगे कि जहाँ पे कंटिन्यू वायलेंस हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, ये होता है रामराज्य, ये होता है, इसे कहते हैं आप उत्तर प्रदेश में रामराज्य। अब बताइए पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, अगर कार्रवाई नहीं करें? पुलिस दे आर अंडर प्रेशर, वो प्रेशर में है कहीं ना कहीं, उन्हें जो ओथ लेते हैं जनता के प्रति, सुरक्षा के प्रति, जनता के सुरक्षा के प्रति, इस समय उनका कोई भी मनोभाव मुझे लग नहीं रहा है, वो सरकार के अंडर में दबे हुए हैं। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए एटी न्यूज़ इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।